Assalamualaikum, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे. शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग विद द थाई टेम्पल. मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो इस टाइम बंद पड़ी हुई हैं कॉज ऑफ द लॉकडाउन. सो जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा मैं आपको एक एक करके पेनिंग की सबसे जो प्यारी प्यारी प्लेसेस हैं उसमें आपको विजिट कराऊंगा, जिसमें फ्लोटिंग मॉस्क होगी और बुद्धिस्ट टेंपल हो गए, चाइनीज टेंपल हो गए, स्टैंडिंग बुढ़ा, स्लीपिंग बुढ़ा और बहुत सारे ऐसे टेम्पल हैं जिसमें आप उनको विजिट कराऊँगा. तो चले जी, जिस काम के लिए मैं आया था वो मेरा काम हो चुका है. तो यहाँ पे लोकेशन मुझे बहुत ज़बरदस्त अच्छी लोकेशन मिली आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं आप लोगों को वो लोकेशन दिखाता हूँ. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वो जगह जो वेरी क्राउडी जगह में से एक जगह मानी जाती है, मगर इस टाइम भी यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरी गलियाँ यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं. और अब मैं उस जगह तक पहुंच चुका हूं, मुझे जगह की एसएस मिल चुकी है. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं वो जगह. अभी लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें ये बंद ना होती तो मैं आपको किसी एक शिप यॉट में बैठ के भी वीडियो बना के दिखाता, मैं आपको वो एक्सपीरियंस भी चेक करवाता अपना, मगर लॉकडाउन की वजह से सारी शिप्स जो हैं इन्होंने अभी बंद की हुई हैं, ये सर्विस अभी स्टार्ट नहीं की उन्होंने दोबारा. तो दुआ मेरी यही है कि लॉकडाउन जल्दी से जल्दी ओपन हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करूँगा और बहुत ज़्यादा मैं ऐसी चीज़ें आपको दिखाऊँगा जो इंशाल्लाह ताला आप और नए मलेशिया में आने वालों के लिए हेल्पफुल होगी.
पूरे मलेशिया में जहाँ जहाँ तक मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, मैं उन सबसे जगह पे बारे में पूछ चुका हूँ, मगर उन सबका भी यही राय है कि इस टाइम मलेशिया में हर चीज़ बंद पड़ी हुई है जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं होता। बारिश भी हो रही है और पीछे सी साइड का जो मंजर है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है, फिर से मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ।